हाय द्यव नमस्कार वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू व्यूअर्स आज के इस वीडियो में मैं आपको दो टाइप का प्लान दिखाना चाहता हूँ उसी साइज़ में ट्वेंटी थ्री बाई ट्वेंटी फाइव फ़िट में है इसी के अंदर आपको ना डुप्लेक्स भी दिखाऊंगा और बाहर से सीढ़ी भी दिखाता हूँ अगर आप नए चैनल पर सब्सक्राइब कर दीजिएगा और किसी को हाउस प्लान चाहिए फ्रंट एलिवेशन डिज़ाइन चाहिए तो आप मेरा मोबाइल नंबर एट जीरो नाइन फाइव सिक्स वन फाइव डबल वन थ्री पर आप संपर्क कर सकते हैं ये मेरा मोबाइल नंबर है और जो सामने स्क्रीन पर देख रहे हैं और जिसको भी थ्री डी फ्रंट टेलीविजन डिज़ाइन चाहिए या फिर हाउस प्लान चाहिए आ, 3D और थ्री डी कट सेक्शन और स्ट्रक्चरल डिज़ाइन डिटेल्स चाहिए तो आप हमें संपर्क कर लीजिएगा बेफिक्र होके प्राइस डिटेल्स जो है मैं आपको प्लॉट के हिसाब से मैं बता देता हूँ एट ज़ीरो नाइन पर मेरा नाम सुशांत है सिविल इंजीनियर हो एक आठ नौ साल से मेरा यहाँ पर काम चल रहा है सर्विस ब, आ, ओके फिलहाल मैं आपको एक टाइप का प्लान दिखाता हूँ डुप्लेक्स प्लान दिखाऊंगा 23 थ्री बाई ट्वेंटी फीट काफ़ी कम जगह है और उसी के अंदर आपको आ, किस तरह से आप बना सकते देखिएगा फर्स्ट जो है देखिएगा दोस्तों तो आपके पास फर्स्ट ऑफ़ ऑल जगह की कमी है ओके दूसरी बात तो एंट्रेंस में ना चार फुट तीन इंच बाई ग्यारह फिट अगर आपका जगह कम है बोले तो घर का हाइट जो है कम से कम लीजिएगा मतलब जो बेसमेंट हाइट रहता है देखो बेसमेंट हाइट लगभग आपको कई लोग क्या करते हैं हाँ यार हम उन्हों भी लिए बोले तो उनसे भी ज़्यादा हम लेंगे बोल को पाँच फीट तक उठाते हैं वैसा मत करिएगा जगह जितना है उसके हिसाब से ही बेसमेंट का हाइट ले लो इधर जो है एंट्रेंस में काफ़ी कम जगह मिल रहा है मतलब सिर्फ गेट छोटा गेट बनाना पड़ता पाँच पाँच फीट का गेट बना लीजिएगा उसी के अंदर थोड़ा सा कट आएगा जो पार्किंग हाइट रहता वो आप अढ़ाई फीट मैक्सिमम अढ़ाई फीट ले लो और जो बेसमेंट हाइट रहता वो चार फीट लीजिएगा और हॉल आपको दिखाई देगा द, दस फुट तीन इंच बाई पंद्रह फीट का एक हॉल आ रहा उसी के अंदर एक बेडरूम आ रहा है ग्यारह बाय नौ फिट का अटैच ऑयट बाद सात फुट बाय चार फिट का एक अटैच ऑट बाद और उसी के साथ अब देखिएगा बेडरूम में वेंटिलेशन चाहिए वो थोड़ा सा नहीं मिल सकता समझो वो एक ही दिक्कत है और ओ टी एस अटैच टॉयटन बाद को ओ टी एस है उसका प्लम्बिंग लाइन जो है यहाँ से चले जाता किचन किचन में देखिएगा ग्यारह बाय सात फिट का एक किचन आ रहा है उसको वेंटिलेशन रोड साइड से मिल जाएगा सो हॉल को भी रोड साइड से मिल जाता है तो ये हो गया उसके बाद सिंपल से दूसरा वो जो है उनको रिक्वायरमेंट क्या है तो फर्स्ट फ्लोर पे एक बेडरूम चाहिए था सो ग्यारह नौ का एक बेडरूम मिल गया अटैच टॉयट और ओ टी भी मिल जाता है पाइप पाइपलाइनिंग वो सब आप ले सकते हैं ओ के थ्रू से क्या है ऊपर का टॉयलेट रूम और नीचे का टॉयलेट रूम को कनेक्ट कर सकते हैं ये हो गया एक प्लान ये डुप्लेक्स हो गया और नॉर्मल वाला प्लान मैं दिखाता हूँ जो हर किसी के घर में आप बनाना चाहते हैं ये वाला जो है नॉर्मल वाला प्लान है इसके अंदर हॉल की साइज़ दस फुट तीन इंच बाय सतरह फुट इंच का मिल जाता है एक कॉमन ट अटेंड और एक बेडरूम आ रहा है ग्यारह बाय आठ फिट का एक बेडरूम किचन ग्यारह बाय पाँच फिट का बाहर की तरफ से स्टेयर के साथ जाता है वो अब बात करते हैं इसका फर्स्ट फ्लोर की बात करें तो ये सेम उनका जैसे रिक्वरमेंट था ऊपर जो है बेडरूम ओ मिल रहा है कॉमन टाथ तो ये हो गया इसका खर्चा कितना आता है तो देखिएगा लगभग ये जो है पाँच सौ स्क्वायर फिट तक आ रहा है सो पाँच सौ बोले तो भी आपको एटलीस्ट एक दस लाख रुपए का खर्चा आ जाएगा जे प्लस वन इस तरह से अब बाकी का क्या है कम ज़्यादा हो ही जाता दोस्तों हंड्रेड परसेंट अब मैं दस लाख बोल रहा हूँ देखो कम से कम आपको तेरह चौदह लाख हो जाएगा क्यों बोले तो आजकल बहुत महंगा हो गया यार एक नए आए तो एक जन नहीं आते बहुत प्रॉब्लम्स आते हैं बहुत प्रॉब्लम का सामना करना पड़ता है आप लोगों को और जितना बेसमेंट हाइट ज़्यादा लिए उतना खर्चा ज़्यादा आता है वो भी एक प्रॉब्लम है ऊपर आने जाने में बहुत सारा दिक्कत का सामना करना पड़ता है सो फिलहाल इस वीडियो में बस इतना ही एंड हाउस प्लान के लिए संपर्क कर लीजिएगा धन्यवाद दोस्तों